गाजियाबाद के मोदी नगर निवासी गुरुबचन सिंह को उनके परिजनों ने पैरालिसिस रोग के चलते उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया था, जिनको जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुरुबचन सिंह की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को मांगा तो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने गुरुबचन सिंह के स्थान पर दूसरा शव परिजनों को सौंप दिया। डरे सहमे परिजन अंतिम संस्कार करने अपने नगर के स्थान पर पहुंचे। शव का अंतिम संस्कार करते समय पता चला कि शव गुरुबचन का नहीं है। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी मेरठ ने जांच बैठाई और कड़ी कार्रवाई की बात की है। आइए सुनते हैं जिलाधिकारी मेरठ को क्या कहना है उनका। जनपद गाजियाबाद का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, आपके द्वारा बताया गया है, डेड बॉडी एक्सचेंज जो कुछ हुआ है, इसके लिए जो है जनपद स्तर से जो है तत्काल जो है एडीएम टीटी और टीएमओ की जो है कमेटी गठित कर दी गई है। वो लोग मौके पर पहुँच कर जाँच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायी निर्धारित करके तब कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे समता जीवन लाइव न्यूज, कैमरामैन गुलाम नबी के साथ मैं मोहम्मद इमरान, समता जीवन लाइव न्यूज के लिए।